अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री इन BF3। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री इन वाटर एंड अमोनिया। सो काइंडली आल्सो सी दीज वीडियोस। सो नाउ आई विल टॉकिंग अबाउट BF3। ओके, सबसे पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस को मार्क करते हैं, ठीक है। इसको हम कह लेते हैं यही हम, क्योंकि BF3 में यही हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है। ओके, अब हमने क्या करना है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये तीनों एफ एक जैसे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से एफ को फिक्स किया? तो आप इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें और इसको सी का नाम दे दें। अब आप चेक करें कि आपने क्या करना है कि आपने इन दोनों को फिक्स कर लिए और यहाँ पे आप, यही आपका कटिंग प्लेन है। आप देखें इस साइड पे भी आपके पास एफ आया है और इस साइड पे भी आपके पास एफ आया, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। ये सी और बी सिर्फ हमने ये चीज़ बताने के लिए लिखा है कि यहाँ पे आप तीनों, क्योंकि तीनों फ्लोरीन एक जैसे होते हैं ना, तीनों एटम एक जैसे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से वाला फ्लोरीन यहाँ पर रखा है? तो ये ए बी सी सिर्फ हमें वो बताता है, ठीक है। अदरवाइज़ ये फ्लोरीन एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। ओके, अब ये देखें कि प्रिंसिपल एक्सिस भी इसी डायरेक्शन को है और आपका जो प्लेन है, आपने जो प्लेन चूज़ किया है वो भी इसी डायरेक्शन को है। तो अगर जो प्लेन आपने चूज़ किया है और जो प्रिंसिपल एक्सिस है दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, तो आपके पास जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो होती है वर्टिकल। ओके, ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, काइंडली उन वीडियोस को देखें। ओके, यहाँ पे आपने ए को प्लेन में चूज़ किया था, अब आप क्या करेंगे? अब आप बी वाला जो फ्लोरीन है उसको चूज़ करेंगे। तो आप ये सोच लें कि यहाँ पे एक ए आप कर दें और यहाँ पे आप सी कर दें, ठीक है। ओके, यही हमारा वो है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और इधर ही हमने अपना प्लेन चूज़ किया है, ठीक है। तो देखें दोबारा से इस साइड पे फ्लोरीन है और इस साइड पे भी फ्लोरीन है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। ओके, और ए और सी मैं फिर से बता दूँ, ये सिर्फ इस चीज़ को देखने के लिए है कि आप यहाँ पे कौन सा फ्लोरीन ले रहे हैं, ठीक है। ए वाला हम ले चुके थे, अब हमने बी वाला भी ले लिया है, ठीक है। तो ये भी फिर वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम सी वाला लेंगे और यहाँ पर हम बी लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ए बी सी ही होता है। ओके, यही हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है और इसी प्लेन को हमने चूज़ करना है, कटिंग प्लेन को, ताकि हमारे पास ये जो दोनों साइड्स हैं ये एक जैसी आए। तो ये भी, ये बिल्कुल इन्हीं की तरह जो मैंने पीछे की है, तो ये भी वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो करता है ये सिग्मा, ठीक है। ओके, अब हम इस तरह कट कर सकते हैं इसको, ठीक है, ताकि दोनों साइड्स पर एक दूसरे की मिरर इमेजेस आ जाए। अब एक और तरीके से भी हम इसको कट कर सकते हैं, ये देखें। अगर मैं इस तरह कट करूं कि अब इसका मतलब ये है कि आधा जो फ्लोरीन है ये आधा फ्लोरीन ऊपर है, आधा नीचे कट हो गया है, आधा फ्लोरीन ऊपर है, आधा नीचे कट हो गया है, आधा फ्लोरीन, मतलब आपने इसको ना इस तरह कट किया कि जिस तरह आप सैंडविच को नहीं कट करते, आधा सैंडविच ऊपर आ जाता है और आधा नीचे, इसी तरह आप ये सोच लें कि ये भी एक सैंडविच है और आपने इसको इस तरह कट किया है, ठीक है, इस तरह कट किया ना आपने, तो इसी तरह आधा आधा ऊपर है, आधा नीचे है, इस, ये भी आधा ऊपर है आधा नीचे, ये वाला भी आधा ऊपर आधा नीचे, ये बी भी आधा ऊपर आधा नीचे है। और हमें पता है कि बी के ऊपर ही हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखें कि ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है वो परपेंडिकुलर हो गया है, ठीक है, किसके? जो प्लेन मैंने चूज़ किया, मैंने ये वाला प्लेन चूज़ किया ना, तो ये प्लेन तो इस तरह पड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह। और जो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये अपवर्ड डायरेक्शन को है, मतलब वन सेकेंड आपको चेक कराती हूँ।
ओके, ये देखें, ये जो मैंने सेंटर पे लाइन लगाई है ना बोरॉन के ऊपर, वो प्रिंसिपल एक्सिस है और वो इस तरह ऊपर को है वो, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपी पे हम ड्रा नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअली में वो ऊपर को है। और ये जो मेरा हाथ आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला प्लेन है, ये जो जिसको मैंने रिक्टेंगल की शेप में बनाया, जिसको मैंने चूज़ किया है। तो जो प्लेन मैंने चूज़ किया है और जो प्रिंसिपल एक्सिस है, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यहाँ पे। तो जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो फिर जो आपने प्लेन चूज़ किया है और जो प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो आपके पास जो है ना हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री ऊपर आई है और ये वाली हॉरिजॉन्टल होगी। इसका मतलब ये है कि BF3 के अंदर तीन वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ओके, होप सो आपको मेरी बात की समझ आई होगी। अगर मैं इसको भी बताने की कोशिश करूँ, इसका मतलब ये है कि ये अगर मेरा हाथ है ना, ये जो मैंने चूज़ किया ना, ये जो मैंने प्लेन चूज़ किया, वो इस तरह है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो भी इस तरह है। तो ये देखिए, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल आएंगे, तो फिर आपके पास जो सिमेट्री होगी ना, वो होगी वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। होप सो आपको समझ आई होगी। काइंडली लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी करें, शेयर भी करें, और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस माई नेक्स्ट वीडियोज़। ओके, थैंक यू।